नमस्कार साथियों, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो 12 फरवरी को हुई है उसकी उत्तर कुंजिका के साथ प्रशासनिक गुरुकुल आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमने प्रश्न पत्र डी सीरीज लिया है, तो प्रश्न है 26। इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिकी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका सही जवाब है ए, शेर खान। प्रश्न संख्या 27। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही जवाब है धर्मपाल। बीपीएससी ने नालंदा से आगे बढ़ के विक्रमशिला के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि नालंदा हर कोई रट लेता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी न्यूज में इसलिए भी थी कि गंगा विलास, एमवी गंगा विलास जो क्रूज चली है बनारस से डिब्रूगढ़ तक, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी सैलानियों को लेके गई थी। तो इसलिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जवाब है सी, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमाइंसेंस के लेखक कौन थे? तो ये काफी प्रसिद्ध सवाल रहा है बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स में, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी भी जो बिहार में एग्जाम होगी, सच एज हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम जो हो, बिहार एसएससी एग्जाम जो हो, ये प्रश्न वहां भी आपको देखने मिल सकता है। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अगर आप पिछले 20 साल के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो 4-5 दफे इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका जवाब है पादरी की हवेली सी। प्रश्न संख्या 31। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? इसका जवाब है भागलपुर। भागलपुर में आदमपुर चौक के पास ही अशोक कुमार साहब का ननिहाल है। अगला प्रश्न 32। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है मगध। ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री से लिया गया है और उसके एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, तो आप एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़ें। अगला प्रश्न 33। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं, और इसलिए सही जवाब है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एवव। ये भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखेंगे कि 1500 बीसीई और 1000 बीसीई के पास ये संभव है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो अभी से 3000 वर्षों से पहले अगर हम देखें वर्तमान के वर्ष से, तो वो सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न 34। ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस रहा हो या बिहार पीसीएस। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो सही जवाब है रुद्र दमन बी। अगला प्रश्न 35। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? सही जवाब है गुप्त कला, और ये गुप्त काल का रहा है। एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर से अगर आप स्टार्ट करेंगे क्लास 11 वाले, तो वहां भी ये मेंशनड है। तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस जरूर करना है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या
यूपीएससी एनसीईआरटी के बिना संभव नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो बुक्स आती हैं जिसमें सारा चीज दिया रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसे ही पढ़ते हैं। मेरा यह अनुरोध है कि आप एनसीईआरटी भी एक बार जरूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये यंग ऑथर्स को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम चला है। इसका सीधा संबंध एजुकेशन मिनिस्ट्री से है, शिक्षा मंत्रालय से है। तो जवाब है बी, ये करंट अफेयर्स में रहा था और ये संभावित प्रश्न था। गृह मंत्रालय, प्रश्न संख्या 37, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड फोटोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो ये न्यूज में रहा था और इसका जवाब है 576 भाषाएं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका सही जवाब है किरीट पारिख कमिटी, ठीक है, किरीट पारिख समिति, ठीक है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका जवाब है भोपाल और ये भी न्यूज में रहा था। प्रश्न संख्या 40, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो आपको जानना होगा कि डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश के तानी ट्राइब्स, उसमें जो 5 ट्राइब आते हैं तानी फैमिली के अंदर, उनका धर्म है और इसी वजह से ईटानगर के पास जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बना है उसका नाम पड़ा है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये चर्चा में भी था और चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि वहां पर जो दरवाजा बना था वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को, वो बांस से बना था और बांस से हॉर्नबिल को बनाया गया था। हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। तो भविष्य में भी आपको सवाल सीधे डोनी पोलो धर्म से भी आ सकते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 41, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका जवाब है हिमालयन याक। इसकी वजह यह रही है कि जो याक की संख्या है वो भारत में लगातार गिरती जा रही है और उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, अगर उसके पालने वाले धंधे को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा तो यह अति संभव है कि भविष्य में याक की संख्या भारत में बहुत नीचे चली जाए। जबकि तिब्बत में 13 मिलियन याक्स हैं और भारत में उसकी तुलना में बहुत कम याक हैं, तो इसलिए ये कदम फसाई के द्वारा उठाया गया था। इसमें अरुणाचल प्रदेश का जो याक से संबंधित अनुसंधान केंद्र है उसकी अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न 42, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर, यह न्यूज में था। प्रश्न संख्या 43, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो आपको पता होना चाहिए कामरूप कामाख्या गुवाहाटी में है और वहां आईआईटी भी है, तो सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी, जवाब है आंसर सी। प्रश्न संख्या 44, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायु यानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब है सुखना झील, चंडीगढ़। सुखना झील हमेशा क्वेश्चंस में रहा है, ये एक कृत्रिम झील है जिसे बनाया गया है शिवालिक श्रृंखलाओं के छोर पर, बरसात से आई हुई पानी को रोकने की इसमें अद्वितीय व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हम अपने सीरीज को जारी रखेंगे, पर हम बार बार इस बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं विद्यार्थियों का कि आप 67वीं बीपीएससी में अगर 80 से 90 के बीच में निगेटिव मार्किंग के बावजूद नंबर स्कोर कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, मेंस की तैयारी और अगले बीपीएससी की भी तैयारी या अगले प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए और एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स को वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़िए और मेहनत करते रहिए।
हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद।